पावर ऑफ थिंकिंग बाय उज्ज्वल पाटनी के द्वारा लिखा गया बुक का पहला चैप्टर, इसे पढ़कर ही आगे बढ़े। आजकल युवा पॉजिटिव थिंकिंग को किताबी और बोरिंग मानने लगे हैं। वे कहते हैं कि आज के संदर्भ में पॉजिटिव थिंकिंग प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ आशीर्वाद की बात करती है। हर परिस्थिति में एडजस्ट करो, सदा मुस्कुराते रहो, सबको खुश रखो। भाग में जो लिखा है वह होकर रहेगा, इंसान जो सोचे वह पा सकता है। क्या यह सब आज की प्रैक्टिकल दुनिया में सच में लागू होता है? मेरे मन में अक्सर यह प्रश्न उठता है, क्या आज के इस प्रतिस्पर्धा और महत्वाकांक्षी युग में सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग के बल पर ऊंचाई हासिल की जा सकती है? क्या सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग आपको वह उपलब्धियां दिला सकती है जिनके आप हकदार हैं? मैं अनेक ऐसे लोगों को जानता हूं जो अधिकांशतः पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, लेकिन उनके जीवन में उतना उपलब्धि नहीं है जितनी की होनी चाहिए थी। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं जो मेहनत करने की जगह उम्मीद लिए बैठे हैं कि उनका दिन आएगा और भाग चमकेगा। पावर थिंकिंग पॉजिटिव थिंकिंग से आगे बढ़कर प्रैक्टिकल, शक्तिशाली, आत्मनिर्भर और दूरदर्शी बनने की राह दिखाती है। इसके लिए हमें पॉजिटिव थिंकिंग को त्यागना नहीं है, परंतु एक कदम आगे बढ़कर पावर थिंकिंग को अपनाना है। पावर थिंकिंग कहती है कि उपलब्धियों को पाने के लिए आपको हां से ज्यादा ना बोलने की कला आनी चाहिए। इससे आप दूसरों के लिए उपयोगी तो रहेंगे, लेकिन कोई आपका दुरुपयोग कर नहीं सकेगा। पावर ऑफ थिंकिंग अपने हितों की रक्षा करने की शक्ति पैदा करने को कहती है। हमें हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क करनी चाहिए। बिल्कुल, पावर थिंकिंग कहती है कि सही को सही सिद्ध करने के लिए भी इस जमाने में भगवान श्री कृष्ण जैसा साम दाम दंड भेद आना जरूरी है। पॉजिटिव थिंकिंग की मदद से आप अच्छा सोचकर लक्ष्य तो बना सकते हैं, लेकिन उस लक्ष्य को हकीकत में बदलने के लिए पावर थिंकिंग चाहिए। पावर थिंकिंग कहती है कि जब तक आप नहीं बदलते, आपका परिवार नहीं बदलता। जब तक समाज को बदलने की सोच मूर्खता है। वह कहती है कि हमारे जीवन मूल्य इतने सशक्त होने चाहिए कि हम आगे बढ़कर कभी किसी के साथ गलत न करें, परंतु इतनी ताकत भी होनी चाहिए कि कोई हमारे साथ गलत न कर सके। इस पुस्तक में पॉजिटिव थिंकिंग के प्रचलित नियमों से आगे बढ़ते हुए पावर थिंकिंग पेश करने का साहस मैंने किया है। यदि बुरा लगे तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी बोलते हैं, जो दिखेगा वही बिकेगा। लिस्ट बनाकर मित्रता कीजिए, आलोचकों मुर्दाबाद, इडियट दिवस मनाइए, स्वयं को सर्टिफिकेट दीजिए, अपने परिचय के लोगों को रोल मॉडल बनाइए, आदि अनेक विषयों आपको जिंदगी के बारे में नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। यदि आप पॉजिटिव थिंकर हैं, तो दायरे को बड़ा करने के प्रैक्टिकल बनिए और जीवन में पावर थिंकिंग को अपना लीजिए। शंका और प्रतिरोध के साथ मत बढ़िए, हीनता और निराशा के साथ मत पढ़िए, जबरदस्त ऊर्जा के साथ पढ़िए। समय बिताने के लिए मत पढ़िए, समय के सर्वोत्तम उपयोग के लिए पढ़िए। बिल्कुल, किसी और को बदलना है यह सोचकर मत पढ़िए, वरन खुद को बदलना है यह सोचकर पढ़िए। जब बोझिल हो, थके हो, पढ़ने का मन न हो, तो पुस्तक को तुरंत बंद करके रख दीजिए। ऐसी कृतियां सिर्फ उस वक्त पढ़ी जाती है जब मस्तिष्क सर्वाधिक सक्रिय और ऊर्जामान हो। यह व्यक्तित्व विकास की हजारों पुस्तकों से अलग है, क्योंकि यह एक वर्कबुक की तरह है। इसे आपको अपने पेन
साथ में लेकर पढ़ना चाहिए। यदि आप वर्कशीट को नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाएंगे तो यह पुस्तक भी आम पुस्तकों के श्रेणी में चली जाएगी। इस पुस्तक में मैंने लिख से हटकर आठ क्रांतिकारी और कर्म अध्याय लिखे हैं। इन अध्यायों के लिए मुझे निंदा भी प्राप्त हो सकती है और प्रशंसा भी, लेकिन मैंने सच लिखा है, इस बात की मुझे खुशी है। आपको असहमत होने का और निसंकोच होने का मुझ पर तक विचार पहुंचाने का पूरा अधिकार है। यदि यह पुस्तक आपको जीवन में श्रेष्ठता देने में सफल होती है तो आप मेरी दूसरी कृतियों और ऑडियो सीडी से लाभ उठाए। या उज्जवल पाटनी कहते हैं, शानदार जिंदगी के लिए 30 मिनट नामक वीडियो ऑडियो सीडी आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकती है। इसे पूरे परिवार और स्टाफ के साथ सुन सीखने की इस यात्रा को जारी रखें। आप महत्वपूर्ण हस्ती के रूप में दुनिया में याद किए जाएंगे। आप विभिन्न आयामों में संतुलन और श्रेष्ठता प्राप्त करें। शुभकामनाओं के साथ, आप मेरे हर विचार से सहमत हो या जरूरी नहीं, लेकिन जिनसे भी सहमत हो उन्हें अमल में जरूर लाएं। बिल्कुल दोस्तों, उज्जवल पाटनी के द्वारा यह किताब बहुत बेहतरीन है। मैं आपको चैप्टर बाय चैप्टर इसको देता रहूंगा, तो बोलना चाहूंगा कि आप इसे सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, कमेंट करें कि यह ऑडियो सीडी आपका कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों।